are electrical design and drawing के chapter first transformer design है, जिसका topic single and three phase four type distribution transformer का अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप transformer के बारे में second year पढ़ चुके हैं, फिर भी मैं आपको इसकी संक्षिप्त जानकारी दे रहा हूँ। ट्रांसफॉर्मर एक स्टैटिक डिवाइस है, इट इज स्टैटिक डिवाइस। स्टैटिक डिवाइस से मतलब इसमें कोई घूर्णनशील पार्ट नहीं होता। तो ये बेसिक डिफरेंस है ट्रांसफॉर्मर और इलेक्ट्रिकल मोटर्स में। मोटर्स में मूविंग पार्ट होता है और ट्रांसफॉर्मर में कोई भी मूविंग पार्ट नहीं होता है, इसलिए इसको एक स्टैटिक डिवाइस कहते हैं। ट्रांसफॉर्मर इज अ डिवाइस दैट ट्रांसफर्स इलेक्ट्रिकल पावर ऑफ वन वोल्टेज लेवल फ्रॉम वन इलेक्ट्रिकल सर्किट टू अनदर सर्किट ऑफ द अदर वोल्टेज लेवल बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन विदाउट चेंजिंग द फ्रीक्वेंसी। ट्रांसफॉर्मर एक डिवाइस है, एक उपकरण है जो कि इलेक्ट्रिकल पावर को एक वोल्टेज लेवल से दूसरे वोल्टेज लेवल में दूसरे सर्किट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन द्वारा ट्रांसफर करता है बिना फ्रीक्वेंसी परिवर्तित किए। हमें नीड ऑफ ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसफॉर्मर की आवश्यकता क्यों हुई? तो आप जानते हैं कि इंडिया में पावर जनरेशन सामान्यतः 11 केवी और 13.2 केवी पर होता है, और ये भी प्रूव हो चुका है और आप सेकंड ईयर पढ़ चुके हैं कि यदि ट्रांसमिशन पावर का ट्रांसमिशन हाई वोल्टेज पे किया जाता है तो ट्रांसमिशन लॉसेज कम होते हैं। अब जैसा हम जानते हैं कि जो कंज्यूमर एंड है, जैसे डोमेस्टिक है, इंडस्ट्री है, वहाँ पर इसका यूज लो वोल्टेज पे किया जाता है, इसलिए हमें वोल्टेज को बढ़ाने और घटाने की आवश्यकता होती है। इसलिए ट्रांसफॉर्मर का उपयोग वोल्टेज को स्टेप अप और स्टेप डाउन करने के लिए करने की आवश्यकता हुई, इस कारण हमें ट्रांसफॉर्मर का उपयोग किया जाता है। क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मर बेस्ड ऑन फेज, ट्रांसफॉर्मर का वर्गीकरण बेस्ड ऑन फेज, फेज के आधार पर ट्रांसफॉर्मर का वर्गीकरण कर सकते हैं। ट्रांसफॉर्मर सिंगल फेज हो सकता है और थ्री फेज हो सकता है। बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्शन, उसके कंस्ट्रक्शन किस टाइप के, उस आधार पर ट्रांसफॉर्मर का सकते हैं कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर है या शेल टाइप ट्रांसफॉर्मर है। बेस्ड ऑन एप्लीकेशन, ट्रांसफॉर्मर को डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में उपयोग किया जाता है, पावर ट्रांस जनरेटर स्टेशन या ग्रिड स्टेशन पर उपयोग किया जाता है, उस आधार पर इनको डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर और पावर ट्रांसफॉर्मर के रूप में वर्गीकरण कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर जो कि कंज्यूमर एंड पे उपयोग होता है, वो सामान्यतः फुल लोड पर कार्य नहीं करता है। तो इस ट्रांसफॉर्मर को इस तरह डिजाइन किया जाता है कि जो इसकी एफिशिएंसी और 50 से 60% लोड पर ही अधिकतम प्राप्त हो। जैसा पावर ट्रांसफॉर्मर है, पावर ट्रांसफॉर्मर 24 आवर्स एनर्जाइज रहता है और इसमें इसको इस तरह डिजाइन किया जाता है कि जो इसकी एफिशिएंसी है वो लगभग फुल लोड के आसपास अधिकतम प्राप्त हो। वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफॉर्मर, फिजिकल बेसिस ऑफ ट्रांसफॉर्मर
is mutual induction between two circuit linked by a common magnetic flux. इसका जो कार्य सिद्धांत है वह म्यूचुअल इंडक्शन है, जो कि वह जो एक फ्लक्स है जो कि दोनों सर्किट से लिंक्ड रहता है. जैसा इफ वन कॉइल इज कनेक्टेड टू सोर्स ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज इन अल्टरनेटिंग फ्लक्स इज सेट अप इन द लेमिनेटेड कोर मोस्ट ऑफ व्हिच इज लिंक्ड विद द अदर कॉइल इन व्हिच इट प्रोड्यूसेस म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ. जैसा इस सर्किट के इस डायग्राम बताया गया है कि हमने इसकी एक वाइंडिंग को अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट कर दिया है, तो अल्टरनेटिव वोल्टेज के कारण इस वाइंडिंग में फ्लो करंट के कारण जो इंड्यूस्ड ईएमएफ इंड्यूस्ड फ्लक्स होगा वो अल्टरनेटिंग नेचर का होगा, तो वह इस सेकेंडरी वाइंडिंग से लिंक करता है, तो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ इसमें भी उत्पन्न होगा और इसमें भी उत्पन्न होगा. तो यहाँ हम देख रहे हैं कि इस प्राइमरी और सेकेंडरी में कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, केवल जो पावर ट्रांसफर हो रही है वो केवल बाय इंडक्शन इफेक्ट हो रही है, मतलब म्यूचुअल इंडक्शन इफेक्ट पर इसका कार्य सिद्धांत आधारित है. सिंगल फेज फोर टाइप ट्रांसफॉर्मर. सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर की कोर किस तरह बनी होती है, तो जैसे पूर्व डायग्राम में बताया गया है कि एक वाइंडिंग एक लिंप पे है, ये लिंप कहलाते हैं, और दूसरी वाइंडिंग दूसरी लिंप पर है, लेकिन ऐसा करने से फ्लक्स लीकेज होता है और जो इंड्यूस्ड ईएमएफ आउटपुट में प्राप्त होता है कम होता है. उसी लीकेज फ्लक्स को कम करने के लिए वाइंडिंग लो वोल्टेज वाइंडिंग और हाई वोल्टेज वाइंडिंग दोनों हाफ हाफ प्रत्येक लिंप पर की जाती है और उनको आपस में सीरीज में कनेक्ट कर दिया जाता है. इससे ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी अधिकतम प्राप्त होती है, जैसा कि इस डायग्राम में दिखाया गया है, लो वोल्टेज वाइंडिंग हाई वोल्टेज वाइंडिंग. इसी तरह लो वोल्टेज वाइंडिंग हाई वोल्टेज वाइंडिंग, तो हम देख रहे हैं कि प्राइमरी वाइंडिंग वो वाइंडिंग होती है जिसको सोर्स से कनेक्टेड किया जाता है, तो सेकेंडरी वाइंडिंग वो होती है जिसमें लोड कनेक्टेड किया जाता है. तो इसका ये फ्रंट एलिवेशन हम देखेंगे तो इस तरह दिखाई देता है. और सिंगल फेज कोर टाइप ट्रांसफार्मर का जो टॉप व्यू देखते हैं तो इस तरफ आपको दिखाई देगा. यहाँ वाइंडिंग को वोल्टेज के आधार पर हम लो वोल्टेज वाइंडिंग हाई वोल्टेज वाइंडिंग कह सकते हैं, तो सामान्यतः लो वोल्टेज वाइंडिंग को लिंक के पास रखा जाता है. लिंप के पास इसलिए रखा जाता है कि वाइंडिंग और कोर के बीच में इंसुलेशन की कम आवश्यकता हो, इससे ट्रांसफार्मर की कॉस्ट कम हो जाती है. इसी कारण से लो वोल्टेज वाइंडिंग को लिंप के पास रखा जाता है. अब ये आप देख रहे हैं कि यहाँ सिंगल पीस के रूप में दर्शाया गया, लेकिन जो कोर है वह सिंगल पीस के रूप में नहीं होती है, लेमिनेशन के रूप में होती है. लेमिनेशन स्मॉल पत्ती के रूप में बनी होती है, वो पत्ती इस तरह से ये लेमिनेशन के रूप में इस तरह एल के रूप में से हमें बनाया जाता है, उनको इस तरह आपस में बिड़ा दिया जाता है, फिर इसके ऊपर दूसरे पत्ते रखेंगे तो एल ऐसे एल रखेंगे और दूसरे साइड इस तरह, तो ये अल्टरनेट हम इनकी चेंज करते जाएंगे, तो इस तरह यह बन जाएगी. और यू आई लेमिनेशन के रूप में भी बना सकते हैं. तो ये एक पत्ते जो एक लेमिनेशन को उसको दर्शाया गया है, कई लेमिनेशन उसमें जुड़े रहते हैं, इसलिए इसको लेमिनेटेड कोर कहते हैं.
नेक्स्ट है थ्री पेज, थ्री पेज कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर।